नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश वैष्णव 24 फीट क्लब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जॉइंट पेन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। हमारे शरीर में कौन से विटामिन्स के कमी के कारण हमें यह प्रॉब्लम आती है, कौन सी जगह पे यह जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मेरी यूट्यूब चैनल 24 फीट क्लब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं कि शरीर में जो विटामिन डी की कमी के कारण हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है, यानी हमारे शरीर में विटामिन बी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दोस्तों, उसका मेन कारण भी अभी मैं आपको बता दूं कि आजकल हमारा जो जीवन जीने का जो तरीका है बहुत ही फास्ट हो गया है। उसके साथ हमारा जो खाना भी है बहुत फास्ट फूड हो गया है। खान पीन का अगर हम ध्यान रखते नहीं है तो दोस्तों, यहाँ हमारे शरीर में जो विटामिन है, मिनरल्स है, वह हमें पूरी मात्रा में नहीं मिल पाते। उसके कारण जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम और जरूरी खनिज की जो रिक्वायरमेंट रहती है फुलफिल नहीं होती। इसके कारण कम उम्र में भी हड्डियों के जॉइंट का प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। अभी दोस्तों आगे बात करें तो जॉइंट का दर्द किन कारणों से होता है, कौन से ऐसे कारण हैं हमारे शरीर में जो जॉइंट का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, कई ऐसे कारण हैं जिससे हमारे जो जॉइंट्स है उसमें पेन यानी दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें पहला है चोट लगना। तो दोस्तों, अगर हमारे जॉइंट्स में अंदरूनी चोट लगती है तो वहां हमारे शरीर में यानी हमारे जॉइंट्स में है वह पेन करने की बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। इसका तुरंत ही हमें डॉक्टर के पास जाके उसका निकाल यानी उसको हमें दिखा देना चाहिए कि उसकी ज्यादा जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम बढ़े नहीं। उसको आगे बात करो तो अर्थराइटिस की पीड़ा जॉइंट का दर्द होने की संभावना मुख्य रूप से अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में पाई जाती है। दोस्तों, अर्थराइटिस जो है बहुत ही खतरनाक रोग है जो हमारे जॉइंट्स में बहुत ही नुकसान करता है और हमें चलने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो दोस्तों, आगे बात करो तो जॉइंट का मोच आने के कारण कभी कभी हमारे शरीर में हमारे जो जॉइंट्स है वहां दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हड्डी के विशेषज्ञ से मिलना बहुत ही आवश्यक है। एकमात्र विकल्प बनता है कि अन्यथा यह गंभीर रूप ले सकता है, यानी अगर हम इसके विशेषज्ञ से नहीं मिलेंगे तो हमारे जॉइंट्स में बहुत सारे दिक्कतें आने की संभावना बढ़ जाती है और यह बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है हमारे लाइफ में। दोस्तों, जोड़ों के बीच का ग्रीस का तरल पदार्थ जो रहता है वह खत्म हो जाए। दोस्तों, चोट जो हमारे जोड़ों के आसपास लिगामेंट में लगती है तो यह हमारे जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम, हमारे घुटनों के प्रॉब्लम को यह बढ़ा देती है। कई कई तीन अलग अलग मेन हिस्से हैं जिसमें है घुटने हैं, कंधे हैं, कुल्हे, ऐसी जो जगह है वहां पे हमें यह प्रकार की दिक्कतें ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, अभी आगे मैं आपको इसके घुटनों के यानी जॉइंट्स को मजबूत किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूं। तो विटामिन जो डी है वह हमें जरूर लेना चाहिए। विटामिन डी हमें हमारे जो सूर्य प्रकाश अगर हम लेते हैं सुबह में 10-15 मिनट जो सूरज की किरणें रहती है वह लेते हैं तो विटामिन डी हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है। कैल्शियम युक्त खाना हमें खाना चाहिए। ओमेगा 3 सूजन कम करने के लिए सक्षम रहता है, इसका कारण है ओमेगा 3 लेना चाहिए। तो विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से संपर्क में आती है तो यह किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती है। दोस्तों, अगर सप्ताह में 2 बार इससे 15 मिनट यानी 10 से 15 मिनट तक शरीर की खुली त्वचा का सूर्य प्रकाश अल्ट्रावायलेट किरणों पड़ती है तो दोस्तों शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती है। दोस्तों, आगे बात करें तो जोड़ों के दर्द के लक्षण क्या है, यानी कौन से प्रकार के लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं अगर हमें
ज्वाइंट के प्रॉब्लम होते हैं। तो दोस्तों इसमें है चलने में परेशानी होगी, जोड़ों का दर्द का प्रमुख लक्षण चलने में परेशानी होती है। दूसरी जो बात है जोड़ों में सूजन होना, हमारे जो ज्वाइंट्स रहते हैं यहाँ घुटनों के वहां पे सूजन आ जाएगी हमें, इसके कारण वहां पे दर्द बहुत ही होगा, पेन बहुत ही होगा। जोड़ों में नरमी होना, यानी जोड़े जो होती है वो नरम हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जोड़ों नरमी महसूस होती है तो उसे इसकी सूचना डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें, क्योंकि यह जोड़ों की जो ज्वाइंट का जो नरमा से वह और बड़ी बीमारी हमारे ज्वाइंट में पैदा कर सकता है। दोस्तों आगे बात करें जोड़ों में अकड़ महसूस होना, यानी अकड़ यानी कड़क यानी हो जाना है। अक्सर कुछ लोगों में अपने जोड़ों में अकड़ महसूस होते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जोड़ों में लालपन होना, जो अचानक में जोड़ों में लालपन होना भी जोड़ों के दर्द का लक्षण माना जाता है। तो दोस्तों यह होते हैं उसके लक्षण, हमें किस प्रकार से अगर हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आते हैं तो हमें किस प्रकार दिखते हैं। अभी आगे बात कर रहे थे जोड़ों घुटने में आवाज क्यों आती है, दोस्तों अभी ये भी एक कारण है। दोस्तों कभी कभी लोगों को पेन तो नहीं होता, लेकिन जो अगर खड़े होते हैं बैठते हैं तब खटाक खटाक ऐसा जॉइंट्स में आवाज आती है। तो जोड़ों में आवाज आने का ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत है। यह एक प्रकार का गठिया रोग है दोस्तों, जिसमें हड्डियों के सिरों पर लचीले ऊतकों की संख्या कम हो जाती है, घुटनों के जोड़ों पर मौजूदा कार्टिलेज की भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आवाज तो आती है लेकिन दर्द नहीं होता, स्थिति बहुत गंभीर मानी जाती है, लेकिन दोस्तों यह स्थिति बहुत ही गंभीर है। दोस्तों अभी बात करूंगा जोड़ों के दर्द के कारण क्या हो सकते हैं, कई कई सवाल आते हैं मेरे YouTube चैनल यहाँ हो सकते हैं। तो जोड़ों का दर्द काफी सारे कारण, जैसे कि जेनेटिक कारण है, सही भोजन न करना है, किसी तरह की बीमारी से पीड़ित होना है, चोट लगना इत्यादि कारण हो सकते हैं। दोस्तों और ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें मुझे पूछा गया है कि अगर ज्वाइंट का प्रॉब्लम होता है तो क्या उसमें आदमी मर सकता है। तो दोस्तों यह बात सरासर गलत है, और इसमें दोस्तों आदमी की मौत होने की संभावना नहीं बत है, यानी नहीं है, इसमें आदमी मरता नहीं है, इसमें खाली पेन होता है, उसके रिप्लेसमेंट जॉइंट का प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन ला सकते हैं, इसमें जान जाने की संभावना बहुत ही कम होती है, जाती है। दोस्तों यह पूरा जो जॉइंट्स के बारे में पूरी जानकारी है, जॉइंट्स को हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, जॉइंट से कौन से ऐसे रोग है जो हमें पीड़ा देते हैं, और हमें इसके निराकरण के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी है। दोस्तों नए वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। दोस्तों बाय बाय।